पूर्णिया सदर हॉस्पिटल को जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15 अगस्त को सम्मानित करेंगे। लक्ष्य कार्यक्रम के जरिए बिहार के 3 जिला अस्पतालों को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसमें पूर्णिया सदर अस्पताल के अलावा बेगूसराय और मोतिहारी का सदर अस्पताल भी शामिल है। वहीं पूर्णिया सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जी के सिंह ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित करेंगे। सिंह ने कहा कि लक्ष्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की जांच टीम ने अस्पताल की बारीकी से जांच की थी। इसमें क्या है कि मेरा मॉडल ओटी होना चाहिए, लेबर ओटी, लेबर डिपार्टमेंट जो मेरा मैंने लेबर हाउस और मैंने NCM जो है ना वो भी मेरा सही होना चाहिए, सब स्पेशल NCR उसमें ना किसी का चेक किया गया और उसमें हम लोगों उन लोगों ने बहुत अच्छा ये दिया रिमार्क कि बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है और अभी तक हम लोगों को क्या रिजल्ट है वो रिजल्ट पता नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों के रिमार्क से कि हम लोग 94% के नियर अवार्ड चले गए हैं, हम लोग को प्लेटिनम अवार्ड मिलेगा। ये बिहार में 3 हॉस्पिटल के लिए किया गया है, एक पूर्णिया, दूसरा मोतिहारी, तीसरा बेगूसराय। किस टीम के द्वारा ये टीम किया गया है? एक उसमें एक लेडी डॉक्टर आई थी, डॉक्टर भावना गुलाटी, और दूसरे आए थे हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम थी वो, एक दूसरे थे वो राकेश कुमार चंडीगढ़ से। सदर अस्पताल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्लैटिनम अवार्ड मिलने से स्टाफ का मनोबल बढ़ेगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया समित कुमार की रिपोर्ट।